राम राम, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, चंडीगढ़ से है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल का बड़ा बयान, इंडिया न्यूज हरियाणा पर बोले अनुराग अग्रवाल, 22,000 लोगों ने सिविजिल ऐप डाउनलोड किया है। अब तक ऐप पर 454 शिकायतें आ चुकी हैं, इस पर कार्रवाई हो रही है। 390 शिकायतों पर कार्रवाई की भी जा चुकी है। आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ी शिकायतें भी इसमें शामिल हैं। आचार संहिता के दौरान मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उन्होंने कहा कि शिकायतें मिल रही, उस पर कार्रवाई भी हुई। मुख्य सचिव से इस मामले में जवाब तलब भी किया गया है। तो इंडिया न्यूज हरियाणा पर बोले अनुराग अग्रवाल, उन्होंने कहा कि 22,000 से ज्यादा लोगों ने ऐप डाउनलोड किया है। इसके अलावा अब तक ऐप पर 454 शिकायतें भी आ चुकी हैं लोगों की, 390 शिकायतों पर कार्रवाई भी आयोग की तरफ से की गई है। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम पार्टियों की ओर से अपनी अपनी तैयारियां जो है वो शुरू कर ली गई है। बीजेपी की ओर से हरियाणा में 10 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। कांग्रेस जो है कुछ दिनों बाद ही अपने उम्मीदवारों के नाम जो है वो घोषित कर देगी। ऐसे में चुनाव आयोग के पास लगातार जो है आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतें हैं वो पहुंच रही है। इस वक्त हमारे साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल जी मौजूद हैं। सर, लगातार जो चुनाव इलेक्शन कमीशन है स्टेट का वो एक्टिव है, पैनी नजर जो है वो बनाए हुए हैं स्टेट के अंदर। अगर कोई कोड ऑफ कंडक्ट की उल्लंघना करता है तो उस पर सख्त एक्शन जो है वो आप लेने का काम करते हैं। फिलहाल कितनी शिकायतें आपके पास आ चुकी है, कौन कौन सी शिकायतें हैं और क्या एक्शन हुआ? देखिए, जो चुनाव के संबंधित शिकायतें हैं, एक तो सी विजिल में आती हैं, जो हम चाहते हैं कि हरियाणा का हर नागरिक सी विजिल ऐप को डाउनलोड करे और कहीं पर भी आचार संहिता का कुछ भी उल्लंघन दिखता है तो वो तुरंत उसको रिपोर्ट करे। तो मुझे इस बात की खुशी है कि 16 मार्च से अब तक हरियाणा में तकरीबन 22,000 लोगों ने, 22,000 सजग लोगों ने सी विजिल का ऐप डाउनलोड किया है और उन्होंने 450 के करीब शिकायतें की हैं, जिन शिकायतों में से 390 शिकायतें ठीक पाई गई और उनके ऊपर कार्रवाई की गई है, जो उसकी निर्धारित समय सीमा है 100 मिनट के अंदर जिलों में जो टीम तैनात है उन्होंने वहां पर पहुंच के उस शिकायत का समाधान किया। ये शिकायतें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वॉयलेशन से संबंधित हैं, मतलब कोई पब्लिक मीटिंग हो रही है उसकी अनुमति नहीं ली है, कहीं पर पोस्टर बैनर लगे हुए हैं अनऑथराइज ढंग से लगे हुए हैं, तो इस प्रकार की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई हो रही है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि 454 शिकायतों में से 211 शिकायतें सिरसा जिले से आई हैं। तो मैं कहूँगा सिरसा जिले में काफ़ी जागरूक नागरिक हैं, काफ़ी जागरूक वोटर्स हैं और वो वीडियो खींच रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं और ऑडियो ले रहे हैं और भेज रहे हैं और उनके ऊपर हम तुरंत कार्रवाई करें। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल, जिन्होंने विस्तार पूर्ण से हमें जानकारी दी कि किस प्रकार की शिकायतें जो हैं वो हरियाणा चुनाव आयोग को मिल रही है और जिसका तत्काल समाधान जो है वो किया जा रहा है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन जतिन के साथ साहिल लुखाया, इंडिया न्यूज।